أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نامه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى बंदगाने खुदा आप तमाम हजरात को और अपने नफ्स को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की दावत देता हूँ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी की बुनियाद तक़वा पर करार दें और निज़ाम ज़िंदगी तक़वा की बुनियाद पर कायम करें। अल्लाह ताला ने तक़वा के मनाबे को क़ुरान मजीद में ज़िक्र फ़रमाया है। कई अवामिल जो इंसानों में तक़वा पैदा कर सकते हैं, तफसील से उनका ज़िक्र क़ुरान मजीद में मौजूद है। उन्हीं अवामिल में से एक आमिल जो तक़वा का सबब है वो सिरात मुस्तकीम है। वअन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउस्सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। सूरह अनाम की 153वीं आयत है कि हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसकी इत्तबा करो। वला तत्तबिउस्सुबुल, और सुबुल की इत्तबा मत करो। फतफर्रका बिकुम अन सबीलिह, अगर सुबुल की इत्तबा करोगे तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से बहका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये तुम्हारे रब की वसीयत है ताकि तुम बातकवा हो जाओ। तकवा दरअसल इंसान की हयात की हिफाजत की तदबीर है जो अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों की हयात की हिफाजत के लिए मुकर्रर की गई है। तदबीर मुकर्रर अल्लाह ने की है, अपनाना इंसानों को है। और तक़वा के हिसार ही में, तक़वा के दायरे में ही इंसान की ज़िंदगी महफूज है। तक़वा के बाहर इंसान की ज़िंदगी गैर महफूज है। चाहे वो इंसान की मौत से पहले की ज़िंदगी हो, चाहे वो इंसान की मौत के बाद की ज़िंदगी हो, दोनों की हिफाजत तक़वा के दायरे में ही मुमकिन है। और तक़वा फूटता कहाँ से है, तक़वा के मनाबे कहाँ, मनाबे क्या है, उसका ज़िक्र क़ुरान ने
तफसील से फरमाया है, उनमें से एक आमिल, एक फैक्टर जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में तकवा पैदा हो सकता है, वो सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम से हटकर जो सुबुल है वो अल्लाह के बनाए हुए रास्ते नहीं हैं, वो शैतान के बनाए हुए रास्ते हैं। और जो शैतान के बनाए हुए रास्तों पर चलेगा, यकीनन वो अपने मकसद खिलकत तक न सिर्फ नहीं पहुंचेगा बल्कि बहक जाएगा, भटक जाएगा। उन सुबुल में से एक सबील जो इंसान को सिरात मुस्तकीम से हटा देती है वो सबील इदलाल है, सबील दलालत है। एक जलालत ज़ाल से है और एक जलालत ज़ाद से है, ज़ाद वाली जलालत। जलालत यानि हैरत। अभी चूँकि अय्याम अरबईन चल रहे हैं और हमारा यहाँ मजालिस का उन्वान भी ज़ियारत अरबईन की शरह है, उसका जो मशहूर जुमला है ज़ियारत अरबईन का, व बदला मुहजत हूफ़ी काल यस्तन क़दा इबाद का मिनल जहालत व हैरत ज़लाला, कि आपने अपना खून जिगर बहाया, खून जिगर दिया ताकि बंदों को बेदार करें और उन्हें जहालत से और जलालत से नजात अता फरमाएं। जलालत वो ज़ाद वाली जलालत, वो जलालत हैरत और सरगर्दानी को कहते हैं, यानी जहाँ इंसान ये तशखीस न दे सके कि सही रास्ता कौन सा है, जहाँ इंसान के अंदर हक और बातिल की तशखीस ख़त्म हो जाए। और ये तशखीस उस वक्त ख़त्म होती है जब कई रास्ते एक ही जैसे हों, जब कई रास्ते एक जैसे हों तो वहाँ पर इंसान ये तशखीस नहीं दे सकता कि सही रास्ता कौन सा है, ताज्जुब में पड़ जाता है। जैसा कि इससे पहले भी शायद अर्ज़ किया कि अरब चूँकि सहरा में सफ़र करते थे, डेज़र्ट में, और वहाँ पर कोई हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ बने हुए नहीं होते थे उस ज़माने में, सहरा से रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता था, तो रास्तों की तशखीस के लिए वो कुछ अलामतें नज़ब कर देते थे ताकि बाद में आने वाले काफिलों को ये पता चले कि ये जो अलामत है ये रास्ते की अलामत है। जैसा आज के ज़माने में माइलस्टोन्स नज़ब करते हैं, अब माइलस्टोन्स का भी ज़माना ख़त्म हो गया, बोर्ड्स लगा देते हैं कि बॉम्बे से पुणे को जाने वाला रास्ता ये है, मार्किंग कर देते हैं और फिर ये भी बतला देते हैं कि कितना रास्ता आपने तय कर लिया है और पुणे के लिए भी कितना रास्ता बाकी है। उन अलामतों को, उन निशानियों को हदा कहा जाता था, यानी वो रास्ते की तशखीस करने में मदद करते थे इंसान की कि आप रास्ता भटक नहीं रहे हैं, आप रास्ता बहक नहीं रहे हैं, आप सीधे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए जो रास्ता मुअय्यन फरमाया है वो सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम कोई और चीज़ नहीं है बल्कि अल्लाह का दीन ही सिरात मुस्तकीम है। सिरात से मुराद हमारे जहन में वो रास्ता ना आ जाए जो हम मामूलन रास्तों पर चलते हैं, दीन अल्लाह का बनाया हुआ कानून, अल्लाह का बनाया हुआ दस्तूर, अल्लाह का दिया हुआ मंशूर ही सिरात मुस्तकीम है। और जो इस सिरात पर आ जाए वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। हमारे जहनों में ये बात, ख़ास तौर पर सेकुलर मुल्कों में रहने वालों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, सबके रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है, जबकि नहीं, रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपको अपने मकसद खिलकत तक पहुंचा सकता है, और वो रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम। और सिरात मुस्तकीम कोई और चीज़ नहीं है बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून, अल्लाह की दी हुई शरीयत और अल्लाह का बनाया हुआ दस्तूर और मंशूर है। और इसके मुकाबले में क्या है? इसके मुकाबले में सुबुल है, सुबुल सबील की जमा है। वला तत्तबे उस सुबुल, सुबुल की इत्तेबा मत करो, यानी
वो रास्ते जिसको अल्लाह ने बनाए नहीं हैं बल्कि शयातीन ने बना लिए हैं या ख़ुद हमारे जैसे इंसानों ने बना लिए हैं, उन रास्तों की इत्तेबा मत करो। अगर उन रास्तों की इत्तेबा करोगे फतफर्रका बिकुम अन सबीले, वो रास्ते तुम्हें अपने असली रास्ते से बहका देंगे। अगर हमको मुत्तकी बनना है तो हमको सिरात मुस्तकीम पर आना है और उन रास्तों को छोड़ देना है जिन रास्तों को अल्लाह ने बनाया नहीं है, और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता राह इज़लाल है, जलालत का रास्ता है। जलालत का रास्ता है ना जहाँ पर इंसान हैरत में हो, कन्फ्यूजन में हो, कन्फ्यूज़ हो कि कौन सा रास्ता सही। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रसूलल्लाह के बाद अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में मुसलमानों में अगर पैदा हुआ तो वह जंगे जमल के मौके पर पैदा हुआ कि एक तरफ ज़ौजा रसूल हैं और एक तरफ दामाद रसूल हैं। बहुत कन्फ्यूज़ हुए मुसलमान उस ज़माने में कि किस तरफ कौन सा रास्ता सही है, किसका रास्ता सही है। तो इज़लाल, हैरत और सरगर्दानी जहाँ पर, और ये उस वक्त होता है जब दो चीज़ों को आपस में इस तरह मिला दिया जाता है कि वो दो चीज़ें एक चीज़ लगने लगती हैं। हक़ को बातिल के साथ इस तरह मिला दिया जाता है कि बातिल हक़ नज़र आने लगता है, और अल्लाह के दीन को लोगों के बनाए हुए दीन से इस तरह मखलूत और मिक्स कर दिया जाता है कि अल्लाह का दीन कौन सा है और लोगों का बनाया हुआ दीन कौन सा है, ये तशख़ीस करना मुश्किल हो जाता है। ये जो कन्फ्यूजन का स्टेट है इसको कहते हैं जलाल, जलालत, कन्फ्यूजन, तहय्युर, हैरत, सरगर्दानी। और ये जलालत के मुकाबले में है हिदायत। हिदायत यानी रास्तों का एकदम वाज़ेह, क्लियर और मुअय्यन होना कि सीधा रास्ता यहाँ से होके गुज़रता है। अर्ज़ किया कि रेगिस्तान में जो अलामतें पत्थर की या लकड़ी की नस्ब कर दी जाती थी रास्तों की तशख़ीस के लिए, उनको हदा कहते थे, उसी से हिदायत है। यानी जिसको अपना, जिसके लिए अपना रास्ता भी मुअय्यन हो कि कौन सा रास्ता सही है, और उसके लिए अपना हदफ, मंजिल भी मुअय्यन हो। और ये कैफियत जो पैदा होती है, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़ियारत अरबईन में भी सैयदुश्शुहदा की शहादत का मकसद, आपके खून बहाने का मकसद एक ये बतलाया गया कि लोगों को इस हैरत से, इस जलालत से, इस सरगर्दानी से, इस कन्फ्यूजन से नजात दे। और खून हुसैन ने ये किया भी है। वो मुसलमान जो रसूलल्लाह के बाद कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, ये तशख़ीस देने की सलाहियत खो चुके कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता हक है और कौन सा रास्ता बातिल है, करबला ने आकर एक खत्ते फासिल, एक लाइन खींच दी करबला ने, और वहाँ से हक़ और बातिल को बिल्कुल वाज़े कर दिया। करबला के बाद अब कोई कन्फ्यूजन का स्टेट बाकी नहीं रहना चाहिए। करबला के बाद एकदम वाज़े हो जाना चाहिए कि हक़ किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। और कुरान मजीद ने इसकी मिसाल ये दी है कि व यौमा यहशुरुहुम व मा याबुदूना मिन दूनिल्लाहि फयकूलू अ अंतुम अदललतुम इबादी हाउलाई अम हुम दल्लुस्सबील। महशर में दो गुरोहों के मुकालमे, दो गुरोहों का आपस में बातचीत करने को कुरान उसका मंज़र पेश कर रहा है कि महशर में व यौमा यहशुरुहुम, जिस दिन हम तुम सबको महशूर करेंगे, हाजिर करेंगे, वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते थे उनसे ये पूछा जाएगा, फयकूलू अअंतुम अदललतुम, माबूद जिनको लोगों ने माबूद बना लिया था, दरअसल थे वो अब्द लेकिन लोगों ने उनको माबूद तसव्वुर कर लिया था और उनकी पूजा लोगों ने शुरू कर दी थी, उन माबूदों से ये पूछा जाएगा कि अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई,
क्या तुमने हमारे बंदों को गुमराह किया? लोगों ने जिनको अपना माबूद बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी, उन माबूदों से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि क्या तुमने हमारे बंदों को गुमराह किया, या फिर अम हुम ज़ल्लुस सबील, या फिर वो खुद अज़ खुद गुमराह हो गए, उन्होंने ख़ुद गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया। قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء, वो लोग कहेंगे कि قالوا سبحانك, परवरदिगार तेरी ज़ात मुनज़्ज़ा है, तू पाकीज़ा है इस बात से, और तेरे लिए सज़ावार ही नहीं है कि तेरे अलावा किसी को हम माबूद बनाएं, हमारे लिए ये सज़ावार ही नहीं है। मा काना यम्बगी लना अन नत्तखिदा मिन दूनिक मिन औलिया, हमारे लिए यह सज़ावार ही नहीं है, हमको ये हक ही नहीं पहुँचता है कि हम तेरे अलावा किसी और को माबूद करार दें। वलाकिन मत्तातहुम व आबाहुम हत्ता नसुद्दिक्रा व कानू कौमन बूरा, ये लोग जो हमको माबूद तसव्वुर कर रहे हैं, ये अपनी ख्वाहिशात नफ्स और अपने बाप दादा की पैरवी में हमको अपना माबूद समझ रहे हैं, और उन ख्वाहिशात नफ्स और बाप दादा की पैरवी ने उनको फरामोश करवा दिया है, भुला दिया है, हमारे ज़िक्र को भुला दिया है। वो कानू कौमम बुरा, फ़कत कज़बूकुम बिमा तकुलूना फमा तस्ततीऊना सरफ़म वला नसरा वमन यज़लिम मिनकुम नुदिख़ु अदाबन कतीरा। अब हमारे जहनों में जो माबूदियत है वो फ़कत बुतों की माबूदियत है, हम समझते हैं कि लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी को माबूद अगर करार दिया है तो बुतों को करार दिया है, मूर्तियों को, लेकिन लोगों ने अल्लाह के अलावा माबूद अगर करार दिया है सबसे ज़्यादा जो महसूस भी नहीं है वो ख़ुद इंसान है। लोग इंसानों की माबूदियत और इंसानों की पूजा बुतों की पूजा से ज़्यादा करते हैं, बुतों की पूजा महसूस है, इंसानों की पूजा गैर महसूस है। हम इंसानों की पूजा कर रहे होते हैं लेकिन हमें खबर नहीं है कि हम इंसानों की पूजा कर रहे हैं, हम सिर्फ समझते हैं कि सजदा करना ही इबादत है, और जो बुतों को सजदा कर रहा है वो गोया गलत कर रहा है, शिर्क कर रहा है, जबकि सिर्फ बुतों की पूजा जो है वो इबादत नहीं है, बल्कि जिसकी इताअत कर ली जाए, जिसकी बात मान ली जाए, ख़ुद मासूम के कौल से ये बात साबित है कि तुमने जिसकी बात को सुन लिया, जिसकी इताअत कर ली, गोया तुमने उसकी इबादत कर ली, जिसकी बात तुमने मान ली गोया तुमने उसकी इबादत कर ली, तुमने उसको गोया अपना माबूद बना लिया। अलबत्ता हम अंबिया की बात सुनते हैं, औसिया की बात सुनते हैं, सुलहा सालहीन की बात सुनते हैं, या हत्ता अपने वालदैन की बात सुनकर अल्लाह की इताअत करते हैं, तो ये वालदैन की या उलमा की या सुलहा की या अंबिया की या अइम्मा की इबादत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की इताअत है। अंबिया की बात सुनकर अल्लाह की इताअत करना, औसिया की बात सुनकर अल्लाह की इताअत करना, वालदैन की बात सुनकर अल्लाह की इताअत करना, ये वालदैन की इताअत नहीं कहलाती, ये अल्लाह की इताअत है। तो जो अल्लाह को मानते हैं वो पूजा किसी की नहीं करते, जो अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, जिनकी बात मान, अगर किसी की बात मान रहे हैं अल्लाह के अलावा, तो फिर हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी इताअत कर रहे हैं। और अल्लाह की बात बतलाने वालों की इताअत, दरअसल उनकी इताअत नहीं है बल्कि अल्लाह की इताअत है। जो लोग अल्लाह की बात बतला रहे हैं, जो लोग अल्लाह की इताअत की दावत दे रहे हैं, उनकी बात को मान लेना उनकी बात मान लेना नहीं है बल्कि अल्लाह की बात मान लेना है, अल्लाह की इताअत। तो लिहाजा इंसानी माबूद वो है जिसका हुक्म हम मान लें,
और क़यामत में ये ऐसे आबिद और माबूद को इकट्ठा कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा, और उन माबूदों से पूछा जाएगा कि मेरे इन बंदों को क्या तुमने गुमराह किया है? तो वो जवाब देंगे कि मुनज़्ज़ा है तेरी ज़ात, पाकीज़ा है तेरी ज़ात, बुलंद व बरतर है तेरी ज़ात, कि हम तेरे अलावा किसी और की इबादत की तरफ लोगों को दावत दे, और हमें ये हक ही नहीं पहुंचता, ये हमारे लिए सजावार ही नहीं है कि हम तेरे अलावा किसी और की इबादत की दावत दें, और ये काम तूले तारीख़ में आप देखें, हज़रत ईसा के बारे में कहा गया कि हज़रत ईसा, तीन खुदा हैं, तीन खुदाओं में से एक खुदा हज़रत ईसा हैं, सालिसुन सलासा, तीन में से तीसरे जो है वो हज़रत ईसा हैं और वो खुदा हैं, ट्रिनिटी जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। या हज़रत ईसा को खुदा मान लिया गया, या फिर हज़रत ईसा को कहा गया कि ये हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, या फिर तीसरी बात जो हज़रत ईसा के बारे में है वो ये कि ये ईसा के अंदर अल्लाह ने हुलूल कर दिया है, ये ईसाइयों का नज़रिया है, यानी हज़रत ईसा को माबूद मान लिया अपना, और जब क़यामत में इकट्ठा किए जाएंगे हज़रत ईसा से ये पूछा जाएगा अज़लल तुम हाउलाई अम हम ज़ल्लुस सबील, ए ईसा क्या तुमने इनको गुमराह किया? तो हज़रत ईसा फरमाएंगे कि परवरदिगार मैंने इनको गुमराह नहीं किया, बल्कि इनके ख्वाहिशात नफ्स और आबा व अजदाद की पैरवी ने इन्हें गुमराह किया, ये खुद गुमराह हुए हैं। और यही जलालत के ख़ात्मे के लिए सैयदुश्शुहदा का क़याम था कि जिस ज़माने में लोग हक़ और बातिल की तशख़ीस नहीं कर पा रहे थे कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, और हमेशा बातिल की कोशिश ये होती है कि बातिल को हक़ का लिबादा उड़ाकर पेश किया जाए, कभी कोई शख्स झूठ को झूठ कहकर नहीं कहता कि मैं झूठ कह रहा हूँ, झूठ को सच कहकर पेश करता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो लिहाजा आप देखें, नतीजा ये हुआ कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा और अल्लाह जिसमें हुलूल कर दिया वो मान लिया, और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह कह दिया कि उज़ैर जो है वो इब्नुल्लाह है, माबूद है, अल्लाह के बेटे हैं। और जिनको माबूद बनाया है अल्लाह ने, खुद उनको पेशवा बनाया है, कौमों का पेशवा बनाया है, और उन्होंने कभी अपनी माबूदियत का ऐलान नहीं किया कि हम माबूद हैं, हमारी इताअत की जाए, बल्कि वो खुद ही गैर की इबादत नहीं करते और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया कि मुसलमानों में एक जो तबका था जिसको आज़ादी के बाद खारिज इस्लाम के बाहर कर दिया गया, कादियानी, वो जो रसूल अल्लाह की ख़त्म नबूवत के कायल नहीं हैं, वो जो ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह के बाद भी एक नबी आया है और उसका ताल्लुक़ पंजाब से, कादियान से, जबकि वो अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं करते, रसूल अल्लाह की रिसालत का भी इनकार नहीं करते, ना क़ुरान का इनकार करते हैं, बल्कि तमाम चीज़ों को जो आम मुसलमान मानते हैं उन तमाम बातों को वो मानते हैं सिवाय एक बात के। अलबत्ता यह है कि जब इंसान गुमराह हो जाता है तो फिर वो गुमराही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, फिर वो एक गुमराही नहीं रहती, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जहाँ पर उन्होंने ख़त्म नबूवत का इनकार किया, फिर उन्होंने बाद में ये ऐलान किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ुद ईसा हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ुद महदी हैं, इस तरह के कई दावे उन्होंने किए। लेकिन अच्छा, वो फॉलोअर्स किस बात के हैं? वो फॉलोअर्स हैं हनफी फ़िक़्ह के, सुन्नियों में जो इमाम आज़म अबू हनीफा की जो फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं उनको हनफी कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया, पाकिस्तान,
नेपाल इस तरफ पूरे एक बड़ी तदाद, हत्ता अफ़गानिस्तान और ईरान में भी अबू हनीफा ही की तकलीद होती है। उनके फॉलोअर्स को अहनाफ कहा जाता है, जो अबू हनीफा की फ़िक़ को फॉलो करते हैं। उन्होंने इस ख़तरे से, अहले सुन्नत ने इस ख़तरे से कि अगर हम कादियानियों को दीन से बाहर कर देंगे तो हनफियों की तादाद कम हो जाएगी, ये सोचकर ख़ामोश नहीं रहे, बल्कि कादियानियों को दीन से बाहर कर दिया। किस वजह से? क्योंकि इस्लाम का एक बुनियादी जो रुकन है ख़त्म नबूवत, उन उसके मुनकिर हो गए हैं। लेकिन हम शियों में आप देखें एक बड़ा तबका वो है जो हज़रत अली को उलूहियत तक पहुंचा देता है, आपकी खालिकियत का कायल है, आपकी राज़िकियत का, यानि गुलूदर ज़ात और गुलूदर सिफात। ज़ात में गुलू क्या है? ख़ुद अल्लाह के मुकाबले में किसी और ज़ात को अल्लाह मान लेना, किसी और की इलाह उलूहियत के कायल हो जाना, किसी और को माबूद तस्लीम कर लेना, या फिर बंदों को अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ कर देना, जो सिफात अल्लाह से मखसूस हैं। खालिकियत अल्लाह से मखसूस है, अल्लाह खालिक है। राज़िकियत अल्लाह से मखसूस है, अल्लाह राज़िक है। रुबूबियत अल्लाह से मखसूस है, अल्लाह रब है। लेकिन इन सिफतों को आकर अगर बंदों से मंसूब कर दें तो ये गुलूदर सिफात है। ये दोनों करने के बावजूद हमारी कोशिश यह है कि हमारी तादाद कम ना हो, तो लिहाजा वो भी शिया है, हम भी शिया हैं। जबकि अइमा ने ऐसों के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त महाजाराई की है और उनको दीन से बाहर करार दिया, बल्कि बड़े संगीन फतवे दिए हैं अइमा ने, बड़े संगीन हुक्म लगाए हैं उनके ऊपर। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि नहीं हमारी तादाद कम ना हो, लिहाजा उनको भी लेके चल रहे हैं। लेकिन होता यह है कि वो आकर जो बातें मिंबर पर करते हैं उसको तशय्यो के खाते में डाल दिया जाता है। आम आवाम ये समझती है कि शिया मजहबी यही है, ये जो बातें हो रही हैं गुलू वाली, हज़रत अली को उलूहियत तक पहुंचा देना या हज़रत अली को उन सिफात से मुत्तसिफ कर देना जो खालिक और रब और माबूद से मखसूस है, तो आम लोग ये समझते हैं कि सारे शिया ऐसे ही हैं, सारा तशय्यो ही यही है। फिर वहाँ से फिर तकफीर के फतवे सादिर होते हैं कि ये शिया काफिर है क्योंकि ये अली को खुदा मानते हैं। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनसे अपना दामन झाड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी तादाद कम ना हो, लेकिन आइमा ने ये नहीं चाहा। आइमा ने कहा ये अलग है हमसे, इनको जुदा करो अपने से, ना उनकी महफिलों में जाओ ना उनको अपनी महफिलों में बुलाओ, जो ये पलीद अफकार और ये नजिस अफकार जो रखते हैं, यही इजलाल है, यही गुमराही है। तो लिहाजा वो कहेंगे परवरदिगार हमने गुमराह नहीं किया, इनके तमत्तो, ये उनके तमत्तो से हुई है। तमत्तो यानि ये जो मज़े लेने की ख्वाहिश है इनकी, ये इस्तिमता की जो ख्वाहिश है, ये इस्तिमता की ख्वाहिश ने उनको, उसकी वजह से इन्होंने दूसरों को माबूद बना लिया अल्लाह को छोड़कर। और वो जो तूने दौलत उनको दी है, जो सरवत उनको अता फरमाई है, ये उन्होंने अपनी दौलत और सरवत की बुनियाद पर तेरी नेमतों से, तेरी नेमतें इतनी हो गई उनके पास कि वो तेरी याद से गाफिल हो गए, तेरी याद से गाफिल हो गए, और नतीजे में बंजर यानि वो ज़मीन बन गए जिसमें कोई चीज़ बोई नहीं जा सकती, इसलिए ये फासिद हो गए। खुलासे कलाम यह है कि तक़वा इलाही का एक मंबा जो क़ुरान मजीद ने ज़िक्र किया है वो सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम की पैरवी में ही इंसान तक़वा इलाही हासिल कर सकता है, और तक़वा इलाही अगर हासिल हो जाए तो इंसान हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा, और हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा तो अपने मकसद खिलकत को पालेगा। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु वला तत्तबिउ सुबुल, ये मेरा सीधा रास्ता है तुम इस सीधे रास्ते की इत्तबा करो, वला तत्तबिउ सुबुल, सुबुल की इत्तबा मत करो, वो रास्ते जो शयातीन ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किए उन रास्तों की इत्तबा मत करो।
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ تمہارے رب کی وصیت ہے تمہیں تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ. متقی ہونے کے لیے ایک کام صراط مستقیم کی جہاں پیروی ہے وہیں پر سبل کی عدم پیروی ہے, سبل کی پیروی نہیں کرنا ہے, وہ راستے جو شیاطین نے یا ہم جیسے دوسرے انسانوں نے اللہ کے راستے کے مقابلے میں بنا دیے ہیں ان راستوں کی اتباع نہیں کرنی ہے. تبھی جا کر ایک معاشرہ, ایک سوسائٹی, ایک سماج متقی معاشرہ, باتقوا معاشرہ بن سکتا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه علیہ وآلہ ومغفرته ورضوانه. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و نبیک صلاتاً نامیتاً زاکیتاً ترفع بها درجتا و تبین بها فضلہ, و صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وصلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. وصلی علی فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین. وصل علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ الخلف القائم بالحق المنتظر المہدی. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم عذب کفرت اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجہدون آیاتک ویکذبون رسولک. اللہم خالف بین کلمتہم وعلق الروبا فی قلوبہم وانزل علیہم رزک ونقمتک وباسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربها انك على كل شيء قدیر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اجعل التقوى زادهم والایمان والحکمت فی قلوبهم واعوذهم ان یشکروا نعمتک التي انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک الذی عاهدتهم علیہ الہ الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انك انت العزيز الحكيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكر. واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يغيب عليه داع إن دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اما بعد, عباد اللہ, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. یہ دوسرے خطبے میں بھی آپ حضرات کو اور اپنے نفس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ نے تا
तख्वा इलाही को मुकर्रर इसलिए किया है ताकि हमारी दुनियावी और उखरवी हयात दोनों ख़तरों से महफूज रहे। अल्लाह की जानिब से यह हिफाजती तदबीर है जिसको अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है और उसको समाज तक पहुंचाने के लिए जो ज़रिया अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, जो एहतमाम अल्लाह ने फरमाया है, वो नमाज जुमा है। नमाज जुमा के ज़रिए से इसीलिए नमाज तक्वा इलाही की वसीयत नमाज जुमा का रुकन है। अगर ये रुकन छोड़ दिया जाए, तक्वा इलाही की वसीयत न की जाए, तो गोया नमाज जुमा मुकम्मल नहीं है। लेकिन आम मुसलमानों में जो ख़दशा नहीं है, जो शुभा नहीं है, जो शक नहीं है, वो शियों में डाल दिया गया वो नमाज जुमा का वजूब कि गैबत के ज़माने में जुमा वाजिब नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद जुमे की सआदत से महरूम है, जुमे में हाजिर ही नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तब हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। इमाम की गैबत में, अल्लाह ने इमाम को गैबत में रखा इसका मतलब दीन तातील नहीं है। इमाम गायब है, दीन गायब नहीं है, दीन मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब वसाइल शिया में तफसीली तौर पर जनाब शेख हुर्र आमुली अलैहिर्रहमान ने एक पूरा बाब नमाज जुमा के हवाले से कायम किया है, जिसमें आपने रसूल अल्लाह से और दीगर अइम्मा से रिवायतें नकल फरमाई। उनके बाद अगर नमाज जुमा के अहिया की किसी आलिम दीन ने कोशिश की है तो वो शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, लुबनान जबल आमुल के शहीद सानी, उन्होंने ये बेहिसी और ये बेरगबती नमाज जुमा के हवाले से जब शियों में देखी तो सबसे पहले एक किताब जो जलालुद्दीन सियूती सुन्नी आलिम दीन ने लिखी थी खसाइसो यौमिल जुमा के उनवान से, शहीद सानी ने उसी तर्ज पर 40 हदीसें रसूल अल्लाह से और दीगर अइम्मा से कोशिश की कि रसूल अल्लाह के अलावा अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो अइम्मा हैं उनसे अहादीस को नकल करे। क़साइस व यौमिल जुमा, 40 हदीसें यौम जुमा की फजीलत और यौम जुमा की बरतरी के हवाले से। उसके अलावा जब लुबनान के लोगों ने उनको ख़त लिखा शहीद सानी को कि लुबनान में लोग नमाज जुमा की तरफ बेरगबत हैं, ख़ास तौर पर शिया, तो उन्होंने एक लेटर लिखा लुबनानी शियों को अलहिथ अला सलातिल जुमा के नाम से, या अलहथ अला सलातिल जुमा, और फिर एक तफसीली रिसाला शहीद सानी का सलातुल जुमा के उनवान से मौजूद है, जिसमें शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की आयतों से और अहादीस मोतबरा से इस्तेफादा करते हुए ये साबित किया कि नमाज जुमा वाजिब है मुतलकन। मुतलकन यानी चाहे वो गैबत का ज़माना हो, चाहे वो इमाम के हाजिर होने का ज़माना हो, इमाम के हुजूर का ज़माना हो, चाहे गैबत का ज़माना हो। और मुतलकन से मुराद वाजिब तायीनी है, यानी जुमे के दिन फ़कत और फ़कत नमाज जुमा पढ़नी है जहर के वक्त, मुअय्यन कर दिया आपने। शहीद सानी का फतवा ही है, अलबत्ता आप लोग अपने मराजे के फतवे पर अमल करें, लेकिन शहीद सानी का ये फतवा है। और ये फतवे के लिए मुफसल एक किताब उन्होंने लिखी सलातुल जुमा। और जो रिवायत में अर्ज़ कर रहा था किताबे वसाइल शिया में जो है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई कौम, अगर लोग नमाज जुमा को जुहूदन व इस्तिख़फ़ाफ़न, जुहूदन यानी इनकार करते हुए कि नमाज जुमा इस्लाम का जुज़ ही नहीं है, या नमाज जुमा गैबत के ज़माने में है ही नहीं, या इस्तिख़फ़ाफ़न यानी हल्का समझते हुए, नमाज जुमा को हल्के में लेते हुए नमाज जुमा को तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो कौम के ऊपर जो कमतरीन अज़ाब नाजिल होगा वो ये कि वो कौम कभी एक बात पर जमा नहीं हो सकेगी। वो कौम कभी एक बात पर मुत्तहिद नहीं हो सकेगी जो नमाज जुमा को इनकार करते हुए छोड़ दे या इस्तिख़फ़ाफ़ करते हुए छोड़ दे, क्योंकि नमाज जुमा एक अहम तरीन ज़रिया है। और जितनी नमाजें अल्लाह ने वाजिब की हैं, नमाज़ों में पूरी नमाज़ों की सरदार नमाज जुमा है। जितनी वाजिब नमाजें हैं
जैसे दिन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमे का दिन, वैसे ही सैयदुस सलात अगर कोई नमाज है तो वो नमाज जुमा है। हफ्ते भर में 35 नमाजें वाजिब है हमारे ऊपर, 35 नमाजों में सबसे अफजल तरीन नमाज जो है वो नमाज जुमा है, जिसको कुरान ने सलातुल वुस्ता कहा है, बीच की नमाज। तो लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो क्यों तवज्जो ज़रूरी है, इसलिए कि ये वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से माशरे को बातखवा माशरा बनाया जा सकता है, ये वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से माशरे के मसाइल हल हो सकते हैं, और ये वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से उम्मत तश्कील पा सकती है। आज जो हम धड़ों में बटे हुए हैं, ग्रुप्स में बटे हुए हैं, कौम की हैसियत हमको हासिल है, उम्मत नहीं बन पाए हैं, उम्मत साजी का अमल ये नमाज जुमा है। और दूसरे इमामत की पैरवी, बाज़ रिवायतों में यह है कि नमाज जुमा जुमे का दिन हम अहले बैत से मंसूब है, क्यों? क्योंकि आज 12वें इमाम से मखसूस है, आज का दिन जुमे का दिन इमाम गायब से, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से, क्योंकि जुमा मखसूस असल इमाम ही से है। तो कौम को ये मश्क करवाई जा रही है कि तुम जुमा में हाजिर हो ताकि तुमको इमामत की पैरवी की मश्क होती रहे, कल इमाम हाजिर हो जाए तो तुमको तकल्लुफ़ महसूस ना हो, तकलीफ़ महसूस ना हो पैरवी करने में, इसीलिए नमाज जुमा का वजूब रखा गया। और इसमें ये ज़रूरी है ख़तीब जुमा के लिए ज़रूरी है कि वो आलमी मसाइल पर तबसरा करे, कौमी मसाइल पर तबसरा करे, मकामी मसाइल पर तबसरा करे, और जो हालात उम्मत मुसलिमा को दरपेश है और जो मुश्किलात उम्मत मुसलिमा को दरपेश है उनका राह हल, उनका सोल्यूशन पेश करे, न सिर्फ पेश करे बल्कि इसके ज़रिए से हल करे। मुश्किल मरज़ की दवा करना और है, सिर्फ मरज़ के ऊपर तकरीर करना और है। इमाम जुमा का काम यह है कि दवा करे, मरज़ की दवा करे। तो जुमे की तरफ तवज्जो होना बहुत ज़रूरी है, और तवज्जो लोगों को दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग गाफिल हैं जुमे की अहमियत से उनको बतलाना चाहिए कि ये रिवायतें मौजूद है। दूसरी बात, अहम तरीन जो मुनासिबत इस हफ़्ते में है वो अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम है, इमाम हुसैन का अरबईन। अरबईन मनाने की ताकीद अइमा ने फरमाई है, अरबईन की ताकीद, इसीलिए अर्ज़ किया कि 11वें इमाम ने जो एक अलामत ज़िक्र फरमाई है मोमिन होने की, आप गौर फरमाएं इस जुमले की तरफ कि बाज़ निशानियां वो हैं जिसको इमामों ने बतलाया है कि ये मोमिन की निशानियां हैं, और बाज़ निशानियां वो हैं जो ख़ुद हमने बना ली हैं और उसको कहते हैं कि वो मोमिन की निशानी है। बाज़ निशानियां मोमिन होने की ख़ुद हमने बना ली, ख़ुद हम एक दूसरे को मोमिन कहते हैं, हम में से बहुत से मोमिन नहीं है लेकिन एक दूसरे को मोमिन कहते हैं, क्योंकि ख़ास फ़िरक़े से हमारा ताल्लुक़ है, तो फ़िरक़े में दाखिल हो जाना मोमिन हो जाना है। तो लिहाजा बहुत से ऐसे हैं जो ईमान भी नहीं रखते लेकिन मोमिन है, ईमान के बग़ैर मोमिन है। इमाम ने 5 अलामतें जो ज़िक्र फरमाई हैं मोमिन होने की, उसको पढ़ें जाकर आप, मैं सिर्फ़ एक ही अलामत बयान कर रहा हूँ, वो अलामत है ज़ियारत अरबईन। मोमिन की 5 अलामतें, उसमें से एक अलामत, एक निशानी यह है कि वो ज़ियारत अरबईन या ख़ुद अपने आप को सैयदुश्शुहदा के मज़ार के पास पहुंचाता है या अपने ही शहर से ज़ियारत अरबईन पढ़ता है। और अरबईन में हुआ क्या, अरबईन को अइमा ने ज़िंदा क्यों रखा, एक जो दलील पेश की जाती है वो ये कि ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक हमेशा हमारे जहनों में ताज़ा रहे। अरबईन के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें, उलमा और मुहक्किकीन में कई अख्तिलाफ़ है। बास कहते हैं कि अरबईन जो यकीनी बात है जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इसको किसी ने रद्द नहीं किया है, अरबईन वो दिन है जिस दिन सहाबी रसूल हज़रत जाबिर इबन अब्दुल्लाह अंसारी अरबईन में 40वें दिन, इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन, ये पहला ज़ाहिर है जो अपने आप को करबला पहुँचाने में कामयाब हो गया, मज़ार हुसैन क़ब्र हुसैन पर पहुँचाने में कामयाब हुआ, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। ये बात यकीनी है, इसमें किसी ने शक नहीं की, तर्दीद नहीं की। लेकिन इसके अलावा जो दो बातें हैं, बाज़ उलमा का कहना ये है कि अरबईन वो दिन है जिस दिन
اسیروں کا قافلہ شام سے کربلا پہنچا، شام سے کربلا پہنچا، اور جس دن کربلا پہنچا وہ 40 کا دن تھا، 20 سفر۔ لیکن بعض دوسرے علماء نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ شام سے کربلا پہنچا جائے اتنے کم وقت میں۔ شام سے کربلا نہیں بلکہ شام سے سیدھا یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، مدینہ چلا گیا۔ یہ دو باتوں میں علماء اور محققین میں تردد ہے۔ اور ایک دوسری بات جو یقینی ہے 40 کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 40 کے دن شہداء کے سر ان کے بدنوں سے ملحق کیے گئے۔ کس نے کیا؟ روایتوں میں اس کی توضیح اور تشریح تاریخ میں موجود نہیں ہے، لیکن دو باتیں جو یقینی ہیں 40 کے حوالے سے، جس کے بارے میں یقین وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا، وہ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کا کربلا پہنچ کر زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کرنا، دو اس دن سرحائے مبارک کو بدن سے ملحق کرنا۔ یہ دو باتیں یقینی ہیں، اسی وجہ سے بعد کے ائمہ نے تاکید کی کہ امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کا 40 منایا جائے۔ پھر بعد میں آ کر علماء نے ایک نئی سنت شروع کی پیدل چلنے کی، نجف سے کربلا تک پیدل جانے کی، جس کی تشریح میں نے کل کی۔ بہرکیف اس اجتماع سے جو فائدہ اٹھایا جانا چاہیے کہ متحد ہوں اور تفرقے کو چھوڑ کر نہ صرف شیعہ آپس میں متحد ہوں بلکہ دوسرے اقوام کو جو کلمہ توحید کو مانتے ہیں، جو کلمہ رسالت کو مانتے ہیں، ان سے بھی اتحاد اور ان سے بھی جڑنے کی بات ہو۔ اور کس لیے جڑیں؟ تاکہ استکباری طاقتوں، تاکہ تواغیت زمان، جو تواغیت ہے دنیا کے، ان تواغیت کے مقابلے میں یہ جو بندگان مظلوم خدا ہے، جو مظلوم واقع ہو رہے ہیں مختلف بلاد میں، ان کی نصرت کی جائے۔ الٹیمیٹلی 40 کا مقصد یہی ہے کہ مظلوم جو واقع ہو رہا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت، اس کا مذہب نہ دیکھا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ آج اگر خطے میں سب سے زیادہ مظلوم کوئی واقع ہو رہے ہیں تو ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ ہر دوسرے دن ان کے لیے ایک نیا حربہ تیار ہے۔ آج جو حربہ ہے ان کے لیے تیار، وہ ان کے مدارس اور مساجد بنے ہوئے، ان کا نشانہ بنے ہوئے۔ کل بابری مسجد کو کلیم کر لیا، اب گیانواپی مسجد وارناسی، پھر اب متھرا کی باری۔ بلکہ گانوں میں آپ نے اگر سنے گانے تو گانوں میں یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اب وارناسی اور متھرا کی باری ہے۔ مدارس کا سروے ہو رہا ہے۔ مدارس کا سروے کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کو رسوا کیا جائے، اور جو قوم رسوائی کو قبول کر لیتی ہے، ذلت کو قبول کر لیتی ہے، پھر وہ کسی کو بھی حاکم ماننے میں آر محسوس نہیں کرتی۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے پہلے بنی اسرائیل کو خوار کیا، پست کام لے کے ان کو رسوا ذلت کر کے، پھر اس نے پھر یہ پست قوم کے سامنے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ وہی کام یہاں پر ایک اقتدار پرست طبقہ، سب ایسے نہیں ہیں، یہ بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں وہ خود مسلمان نہیں ہیں، وہ غیر مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، غیر معمولی، ہمارے تصور سے اوپر ہے، جس حد تک جا کے وہ مسلمانوں کا دفاع، اگر خود مسلمان میدان میں اتر کے اپنا دفاع کرنا چاہتا تو شاید اس سے بہتر دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیں بعض لوگ، یعنی کبھی گمان ہی ہوتا کہ اگر یہ واقعاً اس زمانے میں کربلا میں ہوتے تو یقیناً یہ امام حسین کے لشکر میں ویسے ہی شامل ہوتے جیسے وہب قلبی شامل ہو گیا۔ عیسائی ہو کے وہب قلبی امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ویسے اگر آج یہ لوگ جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے خطرے کی حد تک، یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی حد تک بات کر رہے ہیں، اور کس کے خلاف؟ بڑے جابر کے خلاف، بڑے ظالم کے خلاف۔ یقیناً یہ لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے تو یہ حق کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، جو اب میڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل قلیل چھوٹے گروپ کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو اصل چاہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ شیر و شکر بن کے رہنا چاہتا ہے، گنگا جمنی تہذیب کی جو بات کرتا ہے، وہ ان کی میجورٹی ہے، اکثریت ہے ان کی۔ دوسرے یہ کہ ہم مسلمان اپنی بات ان تک پہنچانے میں بھی ناکام ہیں۔ یہ تو وہ
यानी खुदा ने उनके दिल में डाल दिया है कि वो आउटराइट सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों का, गैर मामूली। और अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह को अपने काम किससे लेने हैं। कुरान में है भी, अगर जब तुम अल्लाह का काम नहीं करोगे तो अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा जो तुम्हारे से जुदा होगी, जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा, एक ऐसी कौम आ जाएगी। परवरदिगार हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतोइना कल कौथर, फसल्लि लि रब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। या अल्लाह हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा हम सब को तक़वा की दौलत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हम सब का खातिमा ईमान पर बख़ैर फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम के नापाक अज़ायम को नाकाम फरमा। हमारे मुल्क की फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को ज़लील व ख़ार व रुस्वा फरमा। परवरदिगारा हमारे मराज मुज्तहिदीन उलमा का साया हमारे सरों पर तादीर क़ायम फरमा। सैयद मुक़ाविमत सैयद हसन नसरुल्लाह, रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाबी इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी, मर्ज़े आली क़द्र जहान तशय्यु हज़रत आयतुल्लाह सीस्तानी को अपने हिफ्ज़ो अमान में फरमा। परवरदिगारा बीमारों को शिफा अता फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें हज़रत के नासिरों में शुमार फरमा।